नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स विला। आज फिर से हाजिर हूँ वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्ले पॉट, जिसमें हम लोग गर्मियों में पानी रखते हैं, कोई कोई इसे मटका भी कहते हैं और सुराही भी। तो इसे मैंने काफ़ी साल पहले, करीब 8-9 साल पहले कलर किया था, तो ये कलर काफ़ी जगह से निकल जा रही थी। तो आज फिर से मैं इसी को मेकओवर करूँगी, इसे एक नया रूप दूँगी। तो चलिए, और ये डिज़ाइन मैंने बहुत मेहनत से ही बनाई थी, पर ये काफ़ी साल पुरानी होने की वजह से और मैं बहुत सालों से इसे देख के बोर भी हो रही थी। तो चलिए इसे अब नए रूप देने की तैयारी करते हैं। तो पहले हमें इसे कलर कर लेना है। तो पहले वाली को मैं थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ, ये मैंने पहले हॉट ग्लू से बनाया था, ये देखिए। तो इसे अब निकाल लेना है और मैंने ले लिया है ये एक प्लास्टिक बॉटल, और मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है, और ये एक पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा है, तो उसे मैंने ऊपर से स्मूथ कर लिया है, और ये बॉटल को मैंने कट किया तो ये इसके अंदर चली जा रही थी, तो इसीलिए मैंने ये बॉटल का यूज़ किया है। अब मैंने ले लिया है एशियन पेंट्स का ये ब्लैक कलर, ब्लैक पेंट। तो पूरे में मुझे ब्लैक पेंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं पूरे को पहले ब्लैक पेंट से पेंट कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करने बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मेरे अधिकतर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल रिलेटेड ही होती है, और मैं घर में उपलब्ध हर तरह की वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसे हम लोग कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, पर उससे भी हम बहुत ही अच्छी अच्छी होम डेकोर आइटम्स बना सकते हैं। तो अगर आपको क्राफ्ट पसंद है तो रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पर विज़िट करें, और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये मैंने ये जो पीवीसी पाइप थे उसे भी कलर कर लिया, ये अब ड्राई हो चुकी है फर्स्ट कोट पर। तो ये मैं बॉटल में भी पहले सोची थी दूसरे कलर करूँगी, तो उसे भी मैं फिर मैंने सोचा कि पूरे को मैं ब्लैक कलर ही कलर करूँगी, तो मैंने बॉटल को भी ब्लैक कलर कर लूँगी। और ये जो मटका है ये से मैं एक कोट और लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर की कलर दिखाई दे रही थी थोड़ी थोड़ी, तो इसे सेकंड कोट अच्छे से हमें लगा लेना है। तो देखिए ये कितनी शाइनिंग कर रही है। तो अब ये बॉटल में भी मुझे कलर कर लेना है। तो फिर कलर को ड्राई करने के लिए रख देते हैं। तो ये कलर अब ड्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। ये मैंने तीनों को ब्लैक कलर कर लिया है और ये पूरी तरह से ड्राई है। तो चलिए अब मैंने ले लिया है ये मोल्डेड क्ले। तो मोल्डेड क्ले को थोड़ा सा ले लूँगी टैल्कम पाउडर, और ये मोल्डेड क्ले के मैंने थोड़े थोड़े पोर्शन ले लिए हैं, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमें एक ही बार में ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये क्ले बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी मिक्स करूँगी और काम करते जाऊँगी। तो देखिए ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और ये एक कलर की हो गई है। अब मेरे पास ये एक सिलिकॉन मोल्ड थी, तो मैंने उसका यूज़ किया है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगा लिया है, ताकि ये जो इसके डिज़ाइन है वो अच्छे से निकले। तो अब मैंने क्ले को इस तरह से थोड़े लंबा टाइप का बना लिया है, और इसे अंगुली से पहले मैं प्रेस कर लूँगी। अब मैंने ले लिया एक बेलन, तो बेलन में मैं इस तरह से बेलते हुए क्ले को पूरे मोल्ड में फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। तो इसे कुछ देर के लिए रख देते हैं, और मैं दूसरी क्ले को फिर से मिक्स कर लेती हूँ। तो कुछ देर बाद ही ये बहुत ही अच्छी तरह से, ये देखिए इसे हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो ये डिज़ाइन कितनी अच्छी से निकल के आई है। तो अब मैं जो एक्स्ट्रा क्ले हमें नज़र आ रही है डिज़ाइन के बाहर, उसे मैं धीरे धीरे कट कर लूँगी। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो मुझे और भी इस तरह से डिज़ाइन बना लेने हैं, और ये डिज़ाइन देखिए बहुत ही सुंदर है। तो जो साइड्स में क्ले निकले हुए हैं उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो और जो एजेस हैं वहाँ मैं थोड़ा से हाथों से ही इसे इस तरह से कर लेने से ये स्मूथ हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। तो इसे रख देते हैं। तो मैं कुछ और ऐसे डिज़ाइंस बना लेती हूँ, तो कुछ मुझे छोटे भी बनाने हैं। तो ये मैंने देखिए तीन बना लिए हैं। तो चलिए अब ये सुराही पर मैंने लगा लिया है फैब्रिक ग्लू।
तो अब ये डिज़ाइंस को मैं यहाँ पर चिपका लूँगी इस तरह से। तो मैंने तीन बनाए हैं और तीन बिल्कुल इसके साइज़ के आ रहे हैं, ये देखिए। तो मैंने तीनों को इस तरह से लगा लिया है। अब मैंने कुछ छोटे डिज़ाइंस भी बनाए हैं तो उसे भी मैं फेब्रिक ग्लू से इस तरह से लगा लूँगी, ये देखिए। तो हमें सभी डिज़ाइंस को इस तरह से चिपका लेना है। और इसे मैंने फेब्रिक ग्लू यूज़ किया है, चाहे तो आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने क्ले की थोड़ी सी ये कॉयल्स बना ली है पतली पतली, तो उसे मैंने इस तरह से फेब्रिक ग्लू लगा कर इस तरह से थोड़ा चिपका दिया है। तो ये क्ले कॉयल्स मैंने मटके के चारों तरफ ही लगा लिया है, ये देखिए। अब मैंने ले लिया है ये बॉटल, तो उसमें भी मैं लगा लूँगी फेब्रिक ग्लू। और ये एक मोटी सी मैंने ये कॉयल बनाई है, तो उसे मैं चिपका लूँगी। तो इस तरह से पहले मुझे चिपका लेना है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बनाऊँगी, तो मैंने छुरी से ही बना लिया है। ये सिंपल सी डिज़ाइन है, ये देखिए, इस तरह से हमें बना लेना है। तो क्ले पर अगर कुछ डिज़ाइन बनाना हो तो हमें क्ले नरम रहते ही बना लेना है, ये क्ले बहुत जल्दी ही हार्ड हो जाती है। तो ये देखिए, लगाते जाना है और हमें डिज़ाइन बना लेना है। अब ऊपर भी मैंने लगा लिया है फेब्रिक ग्लू, और ये मैंने छोटे छोटे सिलिकॉन मोल्ड से ही डिज़ाइन बनाए थे। तो ये देखिए, तो ये मैं बॉटल के ऊपर की तरफ चिपका लूँगी। अब ये है पीवीसी पाइप, उसे भी मैं थोड़ा डेकोरेट करूँगी। तो उसमें भी मैंने ऐसे बड़े साइज़ के डिज़ाइन निकाल लिए हैं और उसे भी मैंने ड्राई करने के लिए रख देने। ड्राई होने के बाद इसे हमें कलर कर लेना है। तो मैं जहाँ जहाँ मैंने क्ले वर्क किया है पूरे में मैं ये ब्लैक कलर कर लूँगी। तो ये कलर मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, तो पूरे में कलर कर ले रही हूँ, बॉटल, पीवीसी पाइप सभी में। तो पूरे को मैं कलर करके कलर को फिर से मैं ड्राई करने के लिए रख दूँगी। तो कलर अब अच्छी तरह से सूख चुकी है। तो अब मैंने ले लिया है गोल्डन कलर, एक छोटी सी स्पंज का टुकड़ा, टुकड़े पे थोड़े से हमें गोल्डन कलर को लगाना है। और जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हमें इस तरह से डैब डैब कर लेना है। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह से उभर के आती है और ये गोल्डन कलर बहुत ही खूबसूरत लगती है, ये देखिए। तो इसी तरह से मैं पूरे डिज़ाइन पे ये गोल्डन कलर को इस तरह से डैब डैब कर लेना है। हमें ज़्यादा कलर नहीं लेना, बस थोड़ा थोड़ा कलर लेना है और इस स्पंज के टुकड़े से इस तरह से लगा लेना है। तो मैंने जहाँ जहाँ क्ले वर्क किया है पूरे में मैंने गोल्डन कलर इस तरह से लगा लिया है। तो ये ब्लैक कलर के साथ गोल्डन का कम्बिनेशन ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इसी तरह से पूरे में लगा ले रही हूँ। और ये जो नीचे कॉइल्स बने हैं उसे मैंने हाथों से लगा लिया है। अब मैंने थोड़ा सा क्ले ले लिया है, उसे थोड़ा सा मैं इस तरह से बेलन से बेल ले रही हूँ। अब मेरे पास कुछ फ्लावर के कटर इस तरह से क्ले कटर, तो उसे मैं ये कुछ फ्लावर्स कट कर लूँगी, छोटे छोटे फ्लावर्स, कुछ बड़े फ्लावर्स भी मैं कट करूँगी। और सभी फ्लावर्स को मुझे इसी तरह हाफ में कट कर लेना है। तो ऐसे में कुछ और फ्लावर्स बना लूँगी, ये देखिए, इस तरह से हमें हाफ में कट कर लेना है। अब जो पीवीसी पाइप है वहाँ मैं लगा लूँगी ये फैब्रिक ग्लू, और ये फ्लावर्स को हमें इस तरह से स्टिक कर लेना है, ये देखिए। इस तरह से मैंने फ्लावर्स को लगा लिया है। अब 3D आउटलाइनर भी मैंने यूज़ किया है, तो 3D आउटलाइनर से बस फ्लावर से थोड़ी सी स्टेम इस तरह से हमें बना लेना है, थोड़ी सी लीव्स भी बना लूँगी मैं 3D लाइनर से। तो ये गोल्डन कलर के 3D आउटलाइनर मैंने यूज़ किया है। और अब मैं पूरे में लीव्स बना के अब मैं फ्लावर्स को भी थोड़ा कलर करूँगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये पर्ल वाइट कलर, तो फ्लावर्स पे सिर्फ मैं लगाऊँगी ये पर्ल वाइट कलर। तो इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अब मैंने ले लिया है कुछ कुंदन स्टोन्स, तो मैंने लिया है गोल्डन कलर के कुंदन स्टोन्स। कुछ कुछ जगह मैं ये स्टोन्स को लगा लूँगी, और इसे लगाने के बाद तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जा रही है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है फ्रेंड्स, एक्सपेंसिव लुकिंग फ्लावर वास। तो इसके लिए मैं जो फ्लावर्स बनाने वाली हूँ उसकी वीडियो जल्द आने वाली है फ्रेंड्स, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये मेरी फ्लावर वास के तीन पार्ट्स हैं, ये देखिए। तो आप इसे अलग तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसे सुराही में इसी तरह से जस्ट फ्लावर रख के डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस किस तरह से इसे यूज़ कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा।
और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, आप सुराही के ऊपर ये बॉटल के कैप रख कर भी आप इसमें फ्लावर्स रख के डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपको लंबी फ्लावर्स लगानी है, ये कॉर्नर को बहुत ही स्पेशल बना देती है। तो ये देखिए, ये एक्सपेंसिव से आपकी फ्लावर वास बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। आप पीवीसी पाइप को भी सिंपल इस तरह से फ्लावर रख कर डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।